सो हाई गाइज, यू आर वॉचिंग माई चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एहसन जफर कराची पाकिस्तान से। आप देख रहे हैं एहसन पेट्स 2.0, मेरा नया चैनल है। पहले तो उसको सब्सक्राइब कर लो फौरी तौर पे। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दो। अब मैं आपको बताता हूँ हम क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। सो गाइज, हमारे पास क्या हुआ था लास्ट टाइम, आपको याद होगा कि एक बच्चा जो है वो मटकी के ऊपर हैच हो गया था बहुत पहले, जिसको हमने फॉस्टर कर दिया था। माशाल्लाह वो बड़ा हो चुका है और अभी कुछ ही दिनों में कूदने वाला है। जो उसके साथ उसका भाई था या बहन थी, जो भी था, वो नीचे आ चुका है। वो इधर ही घूमता रहता है आगे पीछे, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर होगा आई थिंक। बिल्कुल रहने दें, अभी मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। अभी क्या दिखा रहा हूँ मैं आपको कि एक बच्चा जो है वो हैच हुआ है एक मटकी के अंदर, बट मैंने सुबह से वहाँ पर किसी को जाते हुए नहीं देखा। वहाँ पर कोई उसको फीड नहीं करवा रहा, कल से वो भूखा बैठा हुआ और मुँह खोले जा रहा है बार बार। इससे साफ जाहिर है कि ये न्यूली हैच हुआ है अभी। सो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है कि हम इसको ट्रांसफ़र करें, तो मटकी में भी हाथ नहीं जा रहा। ये वजह होती है, मैं आपको कहता हूँ बॉक्स का इस्तेमाल करें, बड़ी मटकी लें ताकि आप ऊपर से जगह बनाकर देख सकें चीज़ों को। अब मुझे चम्मच से निकालना पड़ रहा है। सो पहले ये बच्चा दिखाओ नीचे जो घूम रहा है। ये वो बच्चा है, याद है आपको जो मैंने, और ये देखें ये आगे बैठ गया। क्या शॉर्ट ले लिया भाई, ये तो ज़बरदस्त किस्म का। तो ये वो बच्चा है जो हमने ट्रांसफ़र किया था, बड़ा हो गया माशाल्लाह से, लावारिस बच्चा था ये, इसको ज़िंदगी मिल गई नहीं। अब कोई एक और बच्चा है जिसका मैं निकालूंगा, भी आपको दिखाता हूँ, दिखाना जानिए। सो गाइस ये देख लें, हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं इस बच्चे को। ये बच्चा है और यहाँ पर हमने किसी फिंच को नहीं देखा अभी तक कि वो आ रही हो, बैठ रही हो, और उसका गला भी खाली है। कल से मैं इसको देख रहा हूँ, ये ऐसी हैच हुआ हुआ और कुछ भी इसको खाने को या तो दिया नहीं जा रहा है या मिल नहीं रहा, आई डोंट नो। बट हम इसको फॉस्टर करने वाले हैं। अब ये चूँकि जगह इतनी कंजस्टेड है, सो आप देखें कि मैं कैसे निकाल रहा हूँ इसको, इस चम्मच की मदद से। चम्मच पुराना है हमारे पास जो है ना, समझें कि वैसे ही पड़ा हुआ, बस फालतू पड़ा हुआ था ये कोने में कहीं पे, इस्तेमाल नहीं होता इसलिए इस पर जंग वगैरह का निशान आया हुआ है। सो हम इसको आज फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं इस चम्मच को, ताकि हम निकाल सकें इस बच्चे को। अब आप देखें कि अंडे इतने सेंसिटिव होते हैं कि ज़रा सा हाथ लगने पे टूट सकते हैं। अगर मैं हाथ डालूंगा तो अंडों के टूटने का अंदेशा है। अंडे चार हैं और बच्चा एक है, तो माइट बी पॉसिबल कि शायद इन अंडों में फर्टिलिटी हो, शायद अभी कुछ और बच्चे भी निकल सकें। तो मैं बड़े आराम से कोशिश कर रहा हूँ कि इस बच्चे को हम इस चम्मच में निकाल पाएँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत कुछ कुछ ये आ गया है, और मुझे इतना डर लग रहा है अभी इस वक्त कि मैं आपको बता नहीं सकता। सो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये हिल इतना रहा है। जैन फ़ौरन से मोबाइल पकड़ लेना, जैसे ही मैं बाहर निकलूँगा, मुझे डर लग रहा है गिरे ना नीचे बच्चा, ठीक है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा, इस बच्चे को दिखाना ज़रा। ये देख लें आप कैसे ये खाना मांग रहा है, और ज़रा सा इसको ना टच करने पे, ये देख रहे हैं कैसे टच करने पे खाना मांगना शुरू कर देता है। सो इसको ठंड भी लग रही है। और अच्छा, अब मैं आपको एक और बात बताऊं, मैंने देख लिया इसके गले में खाना है, इसके गले में जनाब खाना मौजूद है। उस टाइम मुझे नज़र नहीं आ रहा था, बट अब मैं ये देख सकता हूँ कि इसके गले में खाना जो है वो मौजूद है। ये आप देख रहे हैं मुँह खोल रहा है, ये इसीलिए खोल रहा है कि इसको भूख लग रही है। तो इसको हमने बेसिकली अंदर से हम जज नहीं कर पा रहे थे, बट हमने तो अच्छे के लिए ही किया ना, ताकि पता चल सके कि इसकी सूरत हाल क्या है, ये खाएगा या क्या करेगा। तो अभी मैंने देखा कि इसके गले में खाना है, तो ये इस पॉसिबिलिटी है कि इसको फीड करवा रहे हैं, सो हम इसको वापस छोड़ देंगे। ठीक हो गया गाइस, इसको हम वापस छोड़ रहे हैं ताकि किसी किस्म की प्रॉब्लम इसको ना आ सके। हम इसको वापस छोड़ रहे हैं एज इट इज़, जिस तरह ये था अंदर। और अंदर इसका बेड भी बहुत अच्छा बना हुआ है, रुई, अंदर रुई कह रहा हूँ, पर वगैरह बहुत अच्छे से गिरे हुए हैं उसके अंदर। सो ये है, और अब इसको देखें कि कितने आराम से ये वहाँ अंदर रह रहा है। इसका मतलब है कि जाके इसको फीड करवाया जा रहा है। सो मैं आपको अब ये बताता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा था। देखें, मेरा काम होता है कि मैं हेल्प कर सकूँ बर्ड को, और उन लोगों को जिन लोगों को पता नहीं चलता क्या चीज़ कब किस तरह से हो रही है, वो सारी चीज़ें लोगों को पता होनी चाहिए। तो बहुत सारे मसले मसाइल ऐसे हैं कि अब मैंने इसको देखा कि इसके गले में फीड है, तो मैंने इसको फॉस्टर नहीं किया, इसको एज इट इज़ वापस रख दिया। थोड़ी सी फीड है इसके गले में। अब मैं आपको बताता हूँ, आपको याद होगा एक लावारिस बच्चा था जो हमने यहाँ पर डाल दिया था, उसकी मैं प्रोग्रेस दिखाता हूँ आपको।
वो बच्चा जो है माशाल्लाह से, ये आप देख लें, ये बैठा हुआ है वो बच्चा, सॉरी यहाँ डाला था, ये देख लें जी, ये वो बच्चा है, ये वो बच्चा है जो बिल्कुल लावारिस था, अकेला था ये, इसके पेरेंट्स नहीं मिल रहे थे, ये इस ढक्कन पे हैच हो गया था, नीचे कोई ढक्कन था उस पे हैच हो गया था, तो माशाल्लाह ये ठीक है। अच्छा, इसका एक भाई है जो इसके साथ था, जिसके साथ हमने इसको फॉस्टर किया था, वो ये रहा, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये उड़ रहा है, सब कुछ है, फीड भी इसको मिल रही है, खाने को भी इसको मिल रहा है, लेकिन चूंकि मौसम बदल रहा है, ठंड है, तो मैं चाहूँगा कि मैं इसको पकड़ के वापस वहीं पर डाल पाऊँ। तो जैसा कि अभी ये उड़ने की कोशिशें बहुत करता है, ये भागेगा, मुझे पता है, आपने देखा कि ये भागने के लिए कोशिशें कर रहा है, सो मैंने इसको पकड़ लिया, और अभी मैं आपको फोकस करके दिखाता हूँ कि ये देख लें, बहुत प्यारा बच्चा है, खूबसूरत बच्चा है, बाहर भी सही सर्वाइव कर रहा है, बट बहुत जल्दी कूद गया, ये देख रहे हैं आप, पिने अभी फूटी नहीं है सर के पास से। अच्छा, बच्चे बच्चा अगर ऐसी फॉर्म में आए ना, अच्छा, बच्चों की एक निशानी होती है, इसके गाल पर आप देख रहे हैं, आँख के पास वाइट निशान आ रहा है, जहाँ पर इसकी चोंच ख़त्म हो रही है, जहाँ पर चोंच के ऊपर निशान मारो, यहाँ पर मारो गाइस, ये देख रहे हैं आप, ये जो चोंच के पास वाइट निशान आ रहा है ना, ये कह लें कि गाल के पास, ये चोंच जहाँ ख़त्म होती है वहाँ वाइट निशान है, सो ये निशानी होती है बच्चे के, यानी कि छोटा होने की। इस एज का बच्चा अगर नीचे उतरता है तो थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है, गर्मियों में चल जाता है, बट अभी इस टाइम पे मुझे नहीं लगता कि ये बेचारा सही से सर्वाइव कर पाएगा। इसकी चोंच भी कुछ मुझे थोड़ी सी बड़ी सी लग रही है, या माइट भी पॉसिबल, देख रहे हैं आप, आगे से थोड़ी सी बड़ी भी है। चलें, बहरहाल इसको वहीं छोड़ देते हैं इसके भाई के साथ, और हम देखेंगे कि हो सकता है कि ये सही से फिर चल जाएगा। यहाँ पर हम इसको छोड़ रहे हैं, पहले इसके भाई को हमने, भाई तो नहीं कह सकते, फॉस्टरिंग भाई हो गया, सौतेला भाई जिसको कहा जाता है, ये दोनों अब साथ बैठे हुए थे पहले भी, और ये अब भागने की कर रहा है, इसको बाहर उड़ने का जो है ना, घूमने फिरने का चस्का लग गया है, यह क्या बात है कि ये जाने को तैयार नहीं है, सो हम इसको ज़बरदस्ती डालने की कोशिशें कर रहे हैं कि बस ये एक बार चला जाए। ओ भाई, ये तो जा के नहीं दे रहा, चलो मुन्ने छोटे, ओए छोटे, अब ये चला गया है, अब ये दोनों अंदर ही हैं, सो आई होप के कुछ सुकून मिलेगा इसको, थोड़ा सा चैन मिलेगा। तो आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।